हेलो माली, हाय, आई एम विजय, आई एम कॉलिंग फ्रॉम स्कूल. या टेल मी. माली, हैप्पी चिल्ड्रंस डे. सेम टू यू. ओके माली, मैं आपको इसलिए कॉल कर रहा हूँ बिकॉज टुडे इज चिल्ड्रंस डे. सो सिद्धार्थ इज डूइंग प्रीटी वेल. वांटेड टू टॉक टू यू. अभी रिसेंटली मैंने सिद्धार्थ के लिए विंटर यूनिफॉर्म लिया है एंड आई थिंक उसका अपर जो है वो उसको काफी लूज है. कैन वी चेंज दैट? वो चेंज हो जाएगा, आप मंडे चेंज कर लेना. लेकिन मैंने जिस काम के लिए किया है, कैन यू गिव मी 2 मिनट्स, आप दे सकते हो मेरे को से? ओके मालिनी, दिस इज समथिंग हम स्कूल में कर रहे हैं. लाइक पेरेंट्स को बच्चे से क्या क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं, कितनी उम्मीदें होती हैं. बट मालिनी, हमें ये फॉर्म भरना होगा थोड़ा सा. जी बताइए. ओके मालिनी, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं सिद्धार्थ से, यानी कि आपके बेटे से? कुछ खास नहीं, बस अच्छा पढ़ लिख जाए अपना, सो सॉरी, आई एम सो सॉरी मालिनी. अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन, लाइक एजुकेशन तो ये है कि स्कूल में हम बताते ही रहते हैं, लेकिन हमें माँ बाप का मालूम नहीं होता कि इंटरनली वो क्या चाहते हैं. अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन या कुछ नहीं, बस नहीं चाहती हूँ कि हाँ बच्चा थोड़ा सा वेल मैनर्ड हो, एटिकेट हो, माँ बाप का ध्यान रखे. वन सेकेंड, वेल मैनर्ड, माँ बाप का ध्यान. ऑलराइट, गो अहेड. कि बच्चा जैसे बड़ा हो, सब कुछ कुछ बन जाए, तो ये ना भूले कि उसके पीछे कितनी हमारी मेहनत है. मतलब बहुत ज्यादा माँ बाप करते हैं अपने बच्चों के लिए. दूसरा, आई एम सो सॉरी, ये लास्ट है और बच्चों के लिए इतना करना पड़ता है. ओके, सपोज लाइक हम ह्यूमन टेंडेंसी भी देखते हैं. सपोज सिद्धार्थ पढ़ने के बाद आपसे मिल तो नहीं रहा है, लेकिन अपनी खुशी से नहीं, लेकिन नहीं मिल पा रहा है, देन व्हाट? Who wants to stay alone? I don't want him to go anywhere. Siddharth ke papa hai Ankit. Ankit aur main baith ke discuss karte hai. So whatever he wants in his life, he should get that. But haan, kal ko wo ye cheeze na bhule ki, उसके पेरेंट्स ने कहाँ से स्टार्ट किया था, कैसे उसको इतना बड़ा बनाया. आई नो, आई नो. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अंकित इज एलुमनाई ऑफ द स्कूल, राइट? या ही इज. लाइक इट्स वेरी फनी, आपने सब कुछ बता दिया, उसके बाद भी वो कह रहा है नहीं, जो भी कुछ किया है माँ बाप ने वो मैं नहीं मानता, वो भाड़ में गया. लाइक टेक इट इजीली, राइट? जो कुछ हो रहा है यार, मरना है तो मरने दो, मुझे परवाह नहीं है. आप क्या बात कर रहे हैं? डू यू इवन थिंक अबाउट इट? आप कुछ भी जो आपके दिमाग में आया जा रहा है आप बोले जा रहे हैं. जब मैं ये फॉर्म भर रहा था तो लास्ट ईयर मुझे आपके हस्बैंड जो हैं अंकित, वो एलुमनाई रह चुके हैं, उनका भी फॉर्म मिला है. उनके माँ बाप ने पता क्या लिख रखा था? दे आर सो फूल. उन्होंने लिखा है कि हम चाहते हैं कि हमने इतनी मेहनत करी है तो अंकित जो है वो हमें पूछे. अंकित के माँ बाप ने भी ये फॉर्म भरवाया था इसी स्कूल में. आज से ही मेरे ख्याल से 22 साल पुराना फॉर्म है, कहाँ से मिल गया? ये तो हद हो गई है. एक्सपेक्टेशन में ये लिखा है कि शादी के बाद कभी कभी फोन कर लिया करें हमें. लाइक आधे मैड हो व्हाट? ऐसे एक्सपेक्टेशंस रखते हैं? कभी हम बीमार हो जाएं दोनों, तो क्योंकि अंकित एक ही लड़का है हमारा, वो भी थोड़ी कोशिश कर ले कि हमारा ख्याल रख ले या हमारे बारे में थोड़ा सा पूछ ले. दे लाइक पागल हो गए हैं यार. ऐसे लिख के गए थे वो सारा. मालिनी, आई एम सो सॉरी, पता नहीं क्यों इतना पर्सनल आपकी जिंदगी में घुस गया. मालिनी, अगर आपकी अंकित के माँ बाप से नहीं बनती तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जबरदस्ती उनसे मिले. आप बिताइए अपनी जिंदगी, क्योंकि आप खुद मुख्तार हैं अपनी जिंदगी की और जैसे चाहे बिता सकती हैं. लेकिन अंकित के माँ बाप ने भी इसी तरह का फॉर्म भरा होगा कभी, और अंकित के माँ बाप ने भी इतनी ही मेहनत करी होगी मालिनी उसको पालने में. मुझे बस किसी ने यह बताया कि अंकित को इतनी भी आज़ादी नहीं है कि वो अपने माँ बाप से मिल सके, और आप में अक्सर लड़ाई होती है. मालिनी, मैं आपकी ज़िंदगी में दखल देना नहीं चाहता. मैं ये नहीं कह रहा हूँ मालिनी कि गलत आप हैं या आपके इन लॉज, लेकिन मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा था आपको, क्योंकि आज चिल्ड्रंस डे है और हर किसी के माँ बाप ये चाहते हैं कि उसके बच्चे से उसकी बात हो जाए. डोंट आस्क मी प्लीज कि ये बातें मुझे कहाँ से पता चली. मुझे किसी ने बताया कि जब अंकित के अभी पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी तो वो वहाँ जाके उनसे मिल तक नहीं सकते थे. खुदा नखास्ता, मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि खुदा नखास्ता आप ये सोचें कि यही चीज अगर सिद्धार्थ आपके साथ करने लगे. और मालिनी, यकीन करिए कि माँ एक ऐसी चीज है जिसकी दुनिया में कोई तुलना नहीं है, और माँ के लिए बच्चे हमेशा इतने छोटे रहते हैं. मालिनी, एक बात ये समझें आप कि ये जो बड़े लोग हैं, ये जो बुजुर्ग लोग हैं, इनको बदलना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि इनकी उम्र हो जाती है. आप ये सोचिए कि हम यंग होके अपने आप को थोड़ा सा नहीं बदल सकते. आप जब अपने बेटे सिद्धार्थ की बराबर थी तो आपके माँ बाप भी आपको गोद में लेके चाहते होंगे ना कि ये जिंदगी भर हमारे साथ रहे, और कम से कम साथ ना रहे तो हमारे बारे में पूछ ही ले. और मैं आपको ये बार बार कह रहा हूं कि अंकित ने मुझसे कुछ नहीं कहा है,
ये कोई और ही हमदर्द होगा आप दोनों का जिन्होंने मुझे बताया था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप साथ रहना शुरू कर दें, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप अपनी मर्जी बिल्कुल खत्म कर दें, लेकिन इतना हक दीजिए अंकित को कि वो अपने माँ बाप से मिल सके, प्लीज। ये मान के चलिए कि सिद्धार्थ आपसे मिलना चाहता है, तड़पता है, लेकिन किसी के प्रेशर में आके वो मिल नहीं रहा। मालिनी, आप कौन बोल रहे हैं? मालिनी, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, एंड आई एम सॉरी अगर आपको इतनी सी भी बात बुरी लगी है। अब अंकित को अगर माँ बाप से मिलने की थोड़ी सी इजाजत देंगी ना, तो इंशाल्लाह ये जो फॉर्म आपने भरवाया है जिसमें आप कुछ एक्सपेक्टेशंस चाहती हैं अपने बेटे से, वो सारी आपको मिलेंगी। प्लीज नाउ डोंट क्राई एंड एक बार जोर से अपने बेटे को जाके हग कर लीजिए प्लीज। वेर इज सिद्धार्थ? He's playing outside right now. Go and please usko pyar kariye aur bahut zor se chipta lijiye, please. I will. Thanks.